नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विकास में। आज हम बात करने जा रहे हैं NTPC के बारे में। NTPC का टेक्निकल व्यू देखेंगे। उससे पहले आपको जो ये शानदार रैली जो देखने को मिल रहा है ना 1.12% का, और जो ये तो अभी थोड़ा दबाव आने लगे, मतलब प्रॉफिट बुक होने लगे। उससे पहले जो आज का हाई था ना 374 तक का देखने को मिला था, तो ये हाई क्यों इतना बड़ा कैंडल बनाया आपको पता है? तो ये जो है ना एक न्यूज़ आई है, और वो भी बहुत बढ़िया 10,000 करोड़ की न्यूज है। तो देख लीजिए, एक IPO आने वाला है। IPO जो है NTPC ग्रीन का है, कब तक आएगा, कितने वैल्यूएशन है, कितने बैंकिंग लग रहे हैं, सब चीज़ हमने ना एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो उसका वीडियो जो है ना आज ही हमने रिकॉर्ड किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में ना लिंक में लगा दूंगा। आप चाहो तो उसको जाकर एक बार देख सकते हो, और पूरा एकदम डिटेल में उसका ना एनालिसिस किए हैं, डिटेल में, फुल डिटेल है, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है, पहला चीज़। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ना पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। इस वीडियो में अलग अलग पार्ट बनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि वीडियो लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए आप ना उसको वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो भी ना NTPC है, दूसरा कोई नहीं है। दोनों अभी जो है ना ये पेरेंट कंपनी है, और वो एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो दोनों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं टेक्निकल्स व्यू को देखने के लिए। तो टेक्निकल्स व्यू क्या बता रही है? तो देख लीजिए, यहाँ से एक अच्छा सा दबाव देखने को मिल रहा है, आज के दिन का ही कैंडल है। तो ये दबाव क्या बता रही है, तो आपको मैंने लगातार बताते आ रहा हूँ कि देखिए, ये ना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं कई लोग। जैसे एक ना 312 से एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला 374 तक के बराबर, और ये तो आज प्रॉफिट बुकिंग होने ही लगता है। मगर क्या ना, एक न्यूज़ आ गया जो आपको बता रहा हूँ ना NTPC ग्रीन का, उस न्यूज़ की वजह से ना एक अच्छा रैली देखने को मिला। अभी नहीं कि फिर बाद में एक उसमें टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा दबाव आने लग गया है। तो ये दबाव ना अभी आपको क्या बता रहा है कि 354 तक का ना एक डाउन साइड हमको देखने को मिल सकता है, जैसे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। और जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया पे आया था ना, ऐसा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, अभी वही सेम चीज़ यहाँ रेजिस्टेंस एरिया तो ब्रेकआउट कर दिया, ऑल टाइम हाई तो आ गया है, और थोड़े थोड़े लोग ना अभी इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जैसे प्रॉफिट बुक हो जाता है तो फिर दोबारा ना ये बुल हो जाएगा, बुल मतलब एक तरह से ट्रेंड में आ जाएगा। फिर यहाँ से जब एक रिवर्सल फिर दोबारा देखने को मिलेगा ना, तो पहला टारगेट हमारा 380 रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 410 तक का देखने को मिल सकता है। और अब आते हैं हमको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग का, तो आप देख लीजिए, काफ़ी टाइम से देख रहे हो, यहाँ से एक करेक्शन जो हो रहा था, यहाँ से एक ना एक ब्रेकआउट लिया, और ब्रेकआउट लिया कितना था, 250 का एक ये वाला लेवल है, और फिर बाद में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, और ट्रेंड जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा बुलिश है। 250 से लेकर सीधा सीधा कहाँ तक गया, 350 तक का, मतलब 100 पॉइंट गया, फिर हल्का सा करेक्शन आया था बराबर। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और सपोर्ट एरिया हमारा 354 आगे का टारगेट है। और ये भी है कि आपको ना ज़्यादा बियरिश नहीं होना, हल्का सा बियरिश होना है, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने का चांस है। तो यहाँ से जब रिवर्सल ट्रेंड लेगा तो फिर अच्छा सा ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, अगर ये ब्रेक करता तो थोड़ा सा और गिन लेना 350 तक का। भाई साहब, उनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय।